हाय जहन एवरीवन, अगर आपको भी जानना है कि आपका हाइट के हिसाब से वेट ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहता है BMI। तो व्हाट इज़ BMI? BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आपका हाइट और वेट लिया जाता है और हाइट और वेट के हिसाब से आपका एक रेशियो निकलता है। BMI से जो रेशियो निकलता है, उस रेशियो से हमें पता चलता है कि जो वेट है हमारा, वो वेट ज़्यादा है या कम है। तो BMI निकलने के लिए आप गूगल में भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, BMI बोल के आप सर्च करो, तो वहाँ पे आपको वेट और हाइट के लिए जगह देगा, उसमें आपको फिलअप करना है, फिर सबमिट करने से आपका रेशियो निकलेगा, ठीक है। नहीं तो आपको एप्स भी मिल जाएगा, एप्स में भी आप देख सकते हो वो, नहीं तो एक मतलब आप पेन और पेपर लेके आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उसमें भी आप निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा। और उसमें क्या होता है कि उसमें हाइट और वेट को लेकर जो रेशियो निकलेगा, वो रेशियो अगर 18.5 से 24.9 तक है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा है तो आपका वेट ज़्यादा है, अगर उससे कम है मतलब 18.5 से कम है तो आपका वेट कम है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। 24.9 से ज़्यादा है आपका जो रेशियो, तो आपका वेट ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में, किसी भी ब्राउज़र में जा सकते हो आप, फिर वहाँ पर जाके आपको सर्च करना है BMI, ठीक है। ये मैं सर्च किया, इधर मैं किसी भी एक वेबसाइट में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ऐसे BMI के लिए, ठीक है, हाइट में, ठीक है। फीट, ये फीट हो गया आपका 5'8", और योर वेट पाउंड में सही है, अगर पाउंड में सही है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं 64 kg इन पाउंड्स, कितना हो 141.096 कंप्यूट BMI कितना निकला 21.5। ये हो गया आपका नॉर्मल रेंज में, 18.5 से 24.9 के बीच में है, तो ये नॉर्मल है। प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है BMI कैलकुलेटर, यहाँ से आप किसी भी एक ऐप्स को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। और ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, आप पेन और पेपर और आपका कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, आपका जो वेट है, वेट को आपको केजी की यूनिट में, केजी यूनिट में आपको ऊपर में रखना है, फिर नीचे डिवाइडेड बाय क्या करना है, आपका जो हाइट है, हाइट को स्क्वायर करना है, और हाइट भी मीटर में चाहिए, ठीक है, केजी पर मीटर, तो मीटर में चाहिए। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको अगर मालूम है कि आपका जो हाइट है अगर वो 165, अगर 165 सेंटीमीटर है तो 1.65 मीटर होगा, फिर उसको स्क्वायर करना है। अगर आपका अगर आपको आपका जो हाइट है 180 सेंटीमीटर है तो उसको कन्वर्ट करने से कितना होगा, 1.8 होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर लिखा है 175 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 1.75 हो गया, 1.75 into 1.75 किया, फिर सॉल्व करके जितना निकलेगा वही आपका BMI है।